नमस्कार। तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के खास कार्यक्रम मुद्दा आपका में आपका स्वागत है। अब स्वागत है, आज शनिवार है। शनिवार का दिन तो यमुनन यकीनन देखिएगा थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, सब्र का रहता है। लेकिन आज का शनिवार उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए भूचाल का शनिवार रहा। आज पूरे दिन सियासत गरमाई रही। आज उत्तर प्रदेश के सियासत के दरवाजों पर हर जगह एक ही दस्तक थी कि आरोप या प्रत्यारोप। उस पर बातचीत करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि आज प्रधानमंत्री शाहजहांपुर में थे, कांग्रेस अमेठी में थी। कांग्रेस का प्रथम परिवार मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज अमेठी में थे, अखिलेश यादव रायबरेली में, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरे उत्तर प्रदेश के जगह जगह पर समाजवादियों के यहाँ छापे मार रहा था। एक कहावत आम है कि जब तक एक घटना ना हो जाए तब तक ये नहीं माना जा सकता कि चुनावी शंखनाद हो चुका है। हालांकि यूं तो जैसे जैसे नेताओं के भाषण, नेताओं की रैलियां, या यूं कहूं कि नेताओं के रैले जैसे ही चलना शुरू हो जाते हैं, कहा जाता है कि चुनावी शंखनाद हो गया। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल रूप से कहे बिना आज चुनाव का शंखनाद नहीं, चुनाव का दरअसल ब्रह्मनाद हो गया। जी हां, कहा जाता है कि जब तक चुनावों में पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, ठीक है, नेता एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर आरोप लगाते हैं, ठीक है, हर कोई एक दूसरे को घेरने की कोशिश करता है, हर कोई एक दूसरे पर हमला करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही चुनावों में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनकी एंट्री हो जाए तो मान लीजिए कि चुनावी ब्रह्मनाद हो गया है। तो आज चुनावी ब्रह्मनाद का दिन था। आज जो चुनावी ब्रह्मनाद हुआ उस पर हम बात बताते हैं कि आज समाजवादियों के यहां छापे पड़े। समाजवादियों इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी लोगों के यहां छापे पड़े हैं। राहुल भसीन के यहां छापा पड़ा है, राजीव राय जी के यहां छापा पड़ा है, नीटू के यहां छापा पड़ा है, जैनेन्द्र यादव के यहां छापा पड़ा, मनोज यादव के यहां छापा पड़ा, जिसमें जैनेन्द्र यादव तो निजी सचिव है अखिलेश यादव के, और राजीव राय साहब अच्छा खासा जाना पहचाना नाम है अखिलेश यादव की, ये भी करीबी है, कर्नाटका में इनके काफ़ी संस्थान वगैरह चलते हैं। तो इन सभी के छापे पड़े हैं। और जैसा कि हर बार, हर दफ़ा जब भी चुनाव होते हैं तो देखा जाता है कि छापेमारी होती है चुनावों से 2 माह पहले, 3 माह पहले, 4 माह पहले छापेमारी शुरू हो जाती है। इसको जो चुनावी पंडित हैं अगर उधर तक ना भी पहुंचे और कक्षा 5वीं के एक बालक से पूछें कि अब चुनाव सर पर हैं और ये छापेमारी विपक्ष के नेताओं पर हो रही है तो इसका मतलब क्या है, तो वो भी बड़ी सरल हिंदी की भाषा में आपको समझा देगा कि इसका मतलब है चुनावी। तो अब चुनाव में इनकम टैक्स की एंट्री, तो अब आगे क्या कुछ होने वाला, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे जिनसे आपका तारुफ करा देता हूं। तो संदीप दुबे साहब हैं बीजेपी से, शशांक यादव साहब हैं एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी से, और लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, ये नेता हैं कांग्रेस से, ठीक है। तो प्रेमचंद जी हैं नेता हैं बीजेपी, ठीक है, खेमचंद जी हैं नेता हैं बीजेपी से, और शशांक यादव जी हैं एमएलसी हैं सपा से, और लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं नेता हैं कांग्रेस से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा आपका में, ठीक है। तो चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शशांक यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। शशांक यादव जी, इसको क्यों ना इस तरीके से देखा जाए जैसा कि बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है कि काफ़ी दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शिकायतें मिल रही थी, जिन लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं उन लोगों की जब ज़्यादा दिन हो गए शिकायतें मिलती रहीं तो इसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है, तो जिनका काम है उन्होंने काम किया, शिकायत मिली और कार्रवाई हुई, बताइए। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, हेलो जी, ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज मिल रही है आपको ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत स्पष्ट और सुंदर और शानदार आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। जो है, अगर आपको याद होगा कि आज 17 साल पहले शुक्ला बड़ा, अरे तुम जानते नहीं हो, आज इनकम टैक्स
इसका इनकम टैक्स की रेट कॉम्पिटिटिव है इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज चुटकला बदल गया। आज जो है ये चुटकला हो गया कि जब चुनाव आने हैं तो ईडी भी आएगी, इनकम टैक्स भी आएगा, आएगा। तो हम लोग को तो ये आसानी से एक एहसास कह लीजिए एक अंदाजा था कि ये सब होना, और इसने हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया ही है। अच्छा। और वो इसलिए है क्योंकि जितना है उन सब ने अभी इनकम टैक्स पहले फाइल किया। अरे तो अगर कोई कंप्लेंट थी तो आप एक दो महीने पहले भी फाइल था, लेकिन जो टाइमिंग आपने रखी है। नहीं, आम आदमी ये समझने की कोशिश कर रहा है, तो क्या इस तरह के छापों से विपक्ष को डर लगता है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि डर से जो आपके नेता हैं इधर से उधर चले जाएं, दल बदल कर लें, या कुछ है जिससे दबाव बनता है विपक्ष पर? चलिए ठीक है, आवाज की थोड़ी सी समस्या है, ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसको जल्दी ठीक करवाते हैं। अब मैं बीजेपी से खेमचंद जी के पास आना चाहूंगा। खेमचंद जी, अगर किसी साधारण व्यक्ति से, अगर किसी गृहिणी से, किसी से भी पूछ लें कि ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की छापेमारी का क्या ये ठीक समय है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं के घरों पर, दफ्तरों में छापेमारी चल रही है, तो वो भी कहेंगे कि ये ठीक है, ये राजनीति की वजह से छापेमारी हुई है। अगर आपको छापेमारी करनी थी तो 2016 में करते, 17 में करते, 18 में करते, 19 में करते, कई समय हो सकते हैं, लेकिन चुनावों से बिल्कुल 2 हफ्ते पहले, 4 हफ्ता पहले इस तरीके की छापेमारी तो राजनीति की ओर इशारा करते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप उन्हीं महिलाओं से, उन्हीं गृहिणियों से, उन्हीं सम्मानीय नागरिकों से पूछिए कि जो अपराध उन्होंने 2020 में किया, 2021 में किया, जो फाइनेंशियल फ्रॉड उन्होंने 2021 में किया, क्या उसके लिए 2016 में उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी? क्या उन पे 2017 में उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए थी? क्या 18 में कार्रवाई होनी चाहिए थी? कौन सा समय सही समय है? हमारे देश में तो हमेशा इलेक्शन चलते रहते हैं। क्या कार्रवाई हुई? लोकल निकाय के इलेक्शन है तो कभी लोकसभा के इलेक्शन है तो कभी विधानसभा के इलेक्शन है। अरे भैया, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, और भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून के हिसाब से काम होता है और वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। और आज हमने जो ह्यूमन इंटरफेस है, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, उसको भी मिनिमम कर दिया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, डेटा माइनिंग के माध्यम से, और जो कंप्यूटराइज एनालाइजिंग होती है उससे रिपोर्ट आती है, उससे इनपुट आते हैं, और इनपुट के आधार पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है। आपका कहने का मतलब ये है क्या कि इलेक्शन आए 6 महीने पहले से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम करना बंद कर दे? अरे अगर आपने चोरी नहीं करी, आपने कालाबाजारी नहीं करी, आपने टैक्स प्रॉपरली दिया हुआ है, तो डरने की क्या जरूरत है? हमारे देश में कोर्ट है, और अभी अगर कुछ फाइंडिंग होंगी, फाइंडिंग के बाद एफआईआर कोर्ट में दर्ज करनी पड़ेगी, डिटेल बतानी पड़ेगी, आपने छापे मारे, उसमें क्या मिला, कितना मिला, क्या गलत है, क्या सही है, फिर कोर्ट में केस चलेगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिटेल बतानी पड़ेगी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ गलत मिलेगा तभी सजा होगी। ठीक है, जब गलत मिलेगा तभी सजा होगी। खेमचंद जी, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन खेमचंद जी ये बताइए कि जो नाम है वो दरअसल परेशान करते हैं। जितने नाम, जितने घरों में, जितने दफ्तरों में, जिनके जिनके यहाँ छापे पड़े, वो सब समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ये बताइए, लगातार ये प्रोसेस, क्योंकि ये न्यूज बनाई जा रही है, चोर चोर तो मोसेरे भाई होते हैं, चारों अपना एक नेक्सस बना के काम कर रहे हैं। आप ही ने बताया चारों लिंक्ड हैं, चारों के चारों अखिलेश जी के खास हैं, चारों के चारों ही नेक्सस बना के अपना काम चला रहे हैं। अब सीबीआई देख रही है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पार्टनर पे छापा मारे, दूसरा अपनी चीजों को बचा ले।
जो लिंक्ड लोग होते हैं हमेशा जो सीबीआई की छापेमारी होती है या इनकम टैक्स की छापेमारी होती है या ईडी की छापेमारी होती है, तो जितने भी पॉसिबल पार्टनर है, जितने भी पॉसिबल लोग हैं जो उस आप कह सकते हो इलीगल काम में इन्वॉल्व है, उन सब पे वो इकट्ठा छापेमारी करते हैं, मल्टीपल प्लेसेज में करते हैं, मल्टीपल स्टेट में भी करते हैं, मल्टीपल सिटीज में करते हैं, तो ये तो उनका एक प्रोसेस है। आप ये कह देना कि भाई इसमें बीजेपी का नेता क्यों नहीं घुसाया, कांग्रेस का नेता क्यों नहीं घुसाया, अरे ये कोई वो थोड़ी है कि भाई आप इतना रिजर्वेशन इसको दीजिए उतना उसको दीजिए, नहीं, ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो एक सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है, मैं आपकी बात और मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुपचाप नहीं बैठा हुआ है, लाखों लोगों पे ऐसी कार्रवाई चल रही है, ठीक है, लेकिन ये चार लोग बड़े चोर हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ज्यादा हल्ला मचा रही है। तो आपकी सरकार में इतने सारे समाजवादी इस तरीके के फ्रॉड काम कर रहे हैं, इस तरीके से धन अर्जित कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है जब इतने सारे समाजवादी विपक्ष में रहते हुए विपक्ष के नेता, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार क्या कर रही है, सरकार का ये काम नहीं है, सरकार के अंतर्गत डिपार्टमेंट होता है और वो डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, जब वो डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है तो आपको ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि छापेमारी का जो समय है, छापेमारी का जो समय है वो ठीक नहीं है, आपको नहीं लगता कि छापेमारी का जो आपका समय है वो ठीक नहीं है? पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं, सीबीआई पश्चिम बंगाल में डेरा डाली दिखती है, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है, तो ऐसे में ये वक्त छापेमारी का क्या है? चलिए उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज है, खेमचंद जी बिल्कुल सही है, मैंने आपसे सवाल पूछा था क्या जो अपराध उन्होंने 2021 में किया है क्या उसकी छापेमारी 2016 में हो सकती थी? जब इनपुट आया है, जब शिकायत आई है तो तभी कार्रवाई होगी, ये तो प्रोग्रेसिव है ना, आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कब पहले क्यों नहीं हुई, अरे 2019 में भी लोकसभा इलेक्शन था, आप बोलते देखिए समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए अब छापेमारी कराई जा रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सही है तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है खेमचंद जी, सही बात कह रहे हैं आप, सर सहमत हूँ मैं, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए खेमचंद जी, हमने कई चुनाव देखे, कई चुनावों से पहले जिन जिन नेताओं के घरों पर छापेमारी हुई है उन नेताओं का दरअसल कभी कुछ बिगड़ा नहीं, बल्कि जिनके घर छापा पड़ा उनके सर हल्दी चंदन का तिलक लग गया, मतलब चल गई उनकी गाड़ी राजनीति की। ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है, और जो डिपार्टमेंट भी इस नियत से छापेमारी नहीं करता कि सामने वाला व्यक्ति गलत ही है, उनके पास इनपुट आते हैं, इनपुट की वेरिफिकेशन के लिए छापेमारी होती है, छापेमारी का मतलब डकैती नहीं होता, छापेमारी का मतलब अरेस्ट करना नहीं होता, किसी को हरास करना नहीं होता, छापेमारी का मतलब है कि डॉक्यूमेंट को देखना, पूछताछ करना, वेरिफिकेशन करना क्या वो साबित है या नहीं है, और उसके बाद बहुत सारे लोग जेल भी गए, बहुत सारे लोग हैं जिन पे पेनल्टी लगी है, बहुत सारे लोग हैं जिन पे अभी भी केस चल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई जिनके खिलाफ कुछ मिलता नहीं है और कोर्ट में जाके वो क्लीन साफ हो जाते हैं, कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर देती है। चलिए ठीक है, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी के पास आना चाहूंगा। जी जी लक्ष्मी नारायण जी, आज आप अमेठी में दोनों बहन भाई नजर आए, रैली कर रहे थे, आप एक तरफ आप रैली कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आपका चेहरा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यहाँ आ रही है कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में समझाती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन कर्नाटका में आप ही की पार्टी का विधायक समझा देता है कि नहीं लड़ सकी तो लेट जाओ मौज से। ये कितनी किस हद तक की एक राजनीतिक गलत मानसिकता को दिखाता है कि आपकी एक नेता कहती हैं कि लड़की लड़ सकती है और दूसरी तरफ आपकी पार्टी का ही एक नेता कहता है कि नहीं, अगर नहीं लड़ पा रही हो तो मजे करो। ये कांग्रेस का जो डबल फेस जो चेहरा है, इस पर क्या कह रहे हैं आप? देखिए डिबेट की शुरुआत मैं राहत इंदौरी जी की एक सैर से करना चाहता हूं। रात इंदौरी की सैर है कि जरा सीमा पर पता करो, तनाव है क्या सीमा पर? तनाव है क्या? जरा पता करो, चुनाव है क्या? जब जब चुनाव आते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न किया था अभी आपने,
कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव चल रहे थे ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में, तो वहां भी ईडी का छापा पड़ रहा था। अब सब शांत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, अभी माननीय भाजपा के हेमचंद जी का वक्तव्य मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा। नहीं देखिए, आप थोड़ा सा भटक गए लक्ष्मी जी, उनके घर की बात है, उनके घर की स्थिति है, उनसे सवाल हो गया, उनसे सवाल जवाब चल रहा है। लेकिन आपसे सवाल मेरा ये था कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में कहती है कि लड़की लड़ सकती है, मैं वहीं आ रहा हूं, और कर्नाटक में आप कहते हैं कि मत लड़ो, तो क्या है, इस पर आइए आप। मैं वही आ रहा हूं। एक मिनट आप समय दे दें। इन्होंने ये कहा कि 2021 में यदि इनपुट आया है, केस दर्ज हुआ है, तो उसका छापा 16 में पड़ता क्या? मैं आग्रह करता हूं खेमचंद जी से कि वो बताएं ऑथेंटिक चारों नेताओं के विरुद्ध में कब एफआईआर हुआ। क्यों परेशान हो रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ छापा पड़ रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके यहाँ के नेताओं के यहाँ तो छापा पड़ा नहीं है, या फिर आपका कोई नेता ही नहीं होता प्रदेश में? डिपार्टमेंट बताएगा, आप उस पर परेशान मत होइए, ठीक है? मेरे को तो समय के बारे में पूछा गया। नहीं खेमचंद जी, आप खेमचंद जी, आपको समय दूंगा, एक एक रिमार्क पूरा हो जाए, फिर डिबेट को खोलेंगे। एक सेकंड, काम कर रहा है। नहीं नहीं, खेमचंद जी थोड़ा सा ठहरिए। खेमचंद जी का ऑडियो डाउन करिए। प्रियंका गांधी ने, हमारी प्रियंका गांधी जी ने ये नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और कर्नाटक में एक कांग्रेस के विधायक ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। मैं इस संबंध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक विधायक टिप्पणी किया है, अब प्रतीक्षा करिए पार्टी उस पर क्या कार्रवाई करती है। तुरंत ऐसा थोड़े है कि बिजली का स्विच है, स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया। अभी हमारे नेता अमेठी में पदयात्रा कर रहे हैं, महंगाई और अजय टेनी का इस्तीफा मांगने का कारण है अजय टेनी के लड़के ने गाड़िया से रौंद दिया, कई लोग हताहत हुए, कई लोगों की स्पॉट पर मृत्यु हो गई। अगर एक विधायक शारीरिक रूप से एक नेता ने चोट पहुंचाई, एक नेता ने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, आपके नेता ने, आपके विधायक ने जो बात कही, वो मानसिक रूप से कितनी लड़कियों को किस तरह का घात कर गया, ये आपको पता है? तो आप अपनी पार्टी के नेता से पहले इस्तीफा मांगिए। मैंने निवेदन किया, प्रतीक्षा करिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ये संज्ञान में मामला आया है। तो ये कैसे चलेगा कि आप उधर कहते हैं प्रतीक्षा करिए और इधर आप हड़बड़ाहट में? तो ये आपके दो चेहरे क्यों हैं भाई? आज हत्या हुई है, अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने आज गाड़ियां, किसान की रैली में अजय मिश्रा, अगर मान लीजिए प्रियंका गांधी कहीं रैली कर रही हैं, प्रियंका गांधी जी कहीं रैली कर रही हैं, और उनसे कोई महिला आकर पूछ देती है कि कर्नाटका में आपके विधायक ने जो कहा है वो आपकी बात से मेल नहीं खा रहा, तो फिर क्या कहेंगी प्रियंका गांधी? मैंने तो आपसे निवेदन किया, जिस हिसाब से ईमानदारी से, जिस ईमानदारी से और जिस जोश के साथ प्रियंका गांधी जी पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रही हैं, भाषण देती हैं, बोल रही हैं, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को खुद उस विधायक के खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि आप इंतजार करिए, पार्टी कार्रवाई करेगी उस विधायक के विरोध में। तो पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही? पार्टी को कुछ एविडेंस थोड़ी ना चाहिए? वो तो उनके शब्दों से जो बातें निकली हैं वो खुद ही एविडेंस है, तो पार्टी को कोई एविडेंस की आवश्यकता नहीं। बातों से जो निकली वो एविडेंस हो गया, और अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने 5-7 लोगों की रौंद कर हत्या कर दी, और उसको प्रधानमंत्री जी अपने साथ, मतलब आप दोनों एक ही, मतलब आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये कहना चाहते हैं ना? बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति हत्या करता है, एक व्यक्ति आघात किए हुए, मैंने क्या कहा, उसको सजा दी जाएगी। शारीरिक रूप से किया गया आघात है, एक मानसिक रूप से किया गया आघात है, दोनों है एक ही। मानसिक रूप, अच्छा ये बताइए, मान लीजिए वो व्यक्ति, देश की कितनी लड़कियां, कितनी महिलाएं, कितनी बेटियां, जब उन्होंने ये सुना होगा कि ये कांग्रेस का विधायक क्या बोल रहा है, तो आप सोचिए, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा ये बताइए, किसी कार्रवाई के दो दो हल निकलते हैं, एक उसकी सजा, दूसरी माफी। मैंने कहा कि उनको सजा भी दी जा सकती है, पार्टी देगी, और यदि वो माफी मांग ले तो जो मानसिक रूप से आहत हुई हैं,
माफी किससे मांगेंगे? देश से माफी मांगेंगे? लेकिन देश की बेटियों से माफी मांगेंगे? सार्वजनिक बयान के लिए, अपने बयान के लिए माफी मांग लेगा कि गलती मेरे मुंह से निकल गया? हाँ, लेकिन लेकिन अजय मिश्रा टेनी के बेटे कोई उपाय से रोंदे हुए व्यक्ति के, ठीक है, मुकदमा दर्ज है, ठीक है, वापस नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं, आप ठीक है, डिबेट यही थी। तो आप कह रहे हैं कि अगर वो माफी मांग लेंगे, किससे माफी मांगेंगे? किससे माफी मांगेंगे? मैं कह रहा हूं, देश से माफी मांगेंगे या फिर सोनिया गांधी जी से माफी मांगेंगे? देश से माफी मांगेंगे या सोनिया गांधी जी से माफी मांगेंगे? अपने सार्वजनिक बयान या प्रियंका गांधी जी से माफी मांगेंगे? किससे माफी मांग रहा हूं? अपने सार्वजनिक आपत्तिजनक बयान के लिए माफी मांग लेंगे। किससे माफी मांगेंगे? देश से माफी मांगेंगे? मैं कह रहा हूं, या सोनिया गांधी से माफी? किसी व्यक्ति पर तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सार्वजनिक बयान में आपत्तिजनक बयान, मतलब देश से माफी, वो आपत्तिजनक बयान के लिए माफी मांग लेंगे, देश से माफी मांगेंगे। लेकिन अजय मिश्रा देश से माफी मांगेंगे या प्रियंका गांधी से माफी मांगेंगे या सोनिया गांधी से माफी मांगेंगे? बात खत्म करिए, और भी गेस्ट हैं। मैं जो कह रहा हूँ मेरी आपकी बातों और मेरा जो सवाल है, आप समझिए कि वो कांग्रेस के डर से, एक परिवार के डर से माफी मांगेंगे या फिर वो देश से माफी मांगेंगे? दोनों में फर्क है। अरे, अपने किए हुए शर्मनाक बयान के लिए माफी मांगेंगे। किससे माफी मांगेंगे? किससे माफी? देश से माफी मांगेंगे सार्वजनिक तौर पर या फिर प्रियंका गांधी से माफी मांगेंगे कि आपने लोगों के, उनकी जो राजनीतिक जो लड़ाई चल रही है उसको कहीं ना कहीं उस पर ईंट कंकड़ पत्थर डालने का काम किया है, रास्ता रोकने का काम किया है, टोकने का काम किया है, तो प्रियंका गांधी से माफी मांगेंगे या फिर देश की बेटियों से माफी मांगेंगे? सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, जवाब तो सुनिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि वो अपने आपत्तिजनक बयान के कारण जिन लोगों की भावना को आहत पहुंचाया है, चोट पहुंची है, उनसे माफी मांगेंगे। किसी किसी खास महिला के ऊपर तो उन्होंने कहा नहीं। चलिए ठीक है, उन्होंने जो आपत्तिजनक, ठीक है, मतलब देश से माफी मांगेंगे, देश से माफी मांगेंगे, आपने कर दिया क्लियर। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, शशांक यादव जी के पास आते हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ एमएलसी हैं। शशांक जी, आपने चुनाव नहीं देखे कि हमने चुनाव नहीं देखे या फिर जो और पैनल में दो लोग और मौजूद हैं उन्होंने चुनाव नहीं देखे, चुनावों से पहले जो रात होती है उस रात में जिन जिन के घरों पर छापे पड़े हैं आज तक, जिन नेताओं के घरों पर, इतिहास गवाह है कि उनका कुछ बिगड़ा नहीं बल्कि उनके माथे चंदन तिलक लग गया, मतलब बढ़िया बढ़िया हो गया, राजनीतिक गाड़ी बढ़िया चल पड़ी, बढ़िया कलफ लगा कुर्ता आया, सफेद जूता आया, चार गाड़ियां और बढ़ गईं, और लखनऊ में बैठे जो नेता हैं या दिल्ली में बैठे जो नेता हैं उनसे करीबी बढ़ गई, तो ठीक है ना अगर छापा पड़ा है तो, बताइए। और अगर किसी से सुई भी ना ली हो तो डरने की तो आवश्यकता है ही नहीं, कहिए। चलिए शशांक जी के साथ कुछ कनेक्शन की समस्या आ रही है शायद, शशांक जी के पास वापस आएंगे। चलिए, तो हमारे साथ खेमचंद जी भी हैं। खेमचंद जी, आपने समाजवादी साथी ने जो कहा उसको भी सुना, जो कांग्रेस के साथी ने कहा उसको भी सुना। हेलो, ठीक है, आपने सुन लिया। हेलो, अब खेमचंद जी जो कांग्रेस के साथी कह रहे हैं, उन्होंने एक शायरी कही, उन्होंने और भी बातें कही, उस पर पहले जवाब दीजिए फिर मैं सवाल करता हूं। हेलो, देखिए कांग्रेस के मित्र जो बात कर रहे हैं वो अनर्गल बातें कर रहे हैं, वो एक तरफ टेनी 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 अजय मिश्रा बोलते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि अजय मिश्रा जी का बेटा जेल में है, केस चल रहा है, एसआईटी जांच कर रही है, और एसआईटी ने उन पे जो धारा है वो और मजबूत किया है। ठीक है, आपसे एक बड़ा छोटा सा नहीं है, आपसे एक बड़ा छोटा सा बड़ा मासूम सा सवाल पूछता हूँ, फिर आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। बड़ा मासूम सा सवाल ये है कि 2002 के दंगे, उसका आरोप लगा था उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, और अभी का मामला, अभी आरोप है आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा पर, ठीक है। अब ये बताइए दोनों में से बड़ा आरोप कौन सा आप मानते हैं, 2002 के दंगे बड़ा आरोप है जो नरेंद्र मोदी जी पर लगा था, या फिर अजय मिश्रा टेनी पर साजिश का जो आरोप लगा है, दोनों में से बड़ा आरोप कौन सा है? आप मेरे को कृपया बोलने देना, बीच में टोकोगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। 2002 में जो हुआ हम सभी जानते हैं, किस तरीके से एक समाज
चुप रहता है जब जब रेल के डब्बों को जलाया जाता है। अरे नहीं देखिए आप फिर खेमचंद जी चुप रहो खेमचंद जी, आपको भेजते हैं बनारस, आप बहराइन पहुंच जाते हैं, आप रुकिए, आपको आप खेमचंद जी आपको मैं बनारस भेजता हूँ तो आप सवाल का जवाब दीजिए। 2002 के दंगों का आरोप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे वो बड़ा आरोप था, या फिर लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ उसका जो आरोप अजय मिश्रा पर लगा है साजिश का, वो बड़ा आरोप है? दोनों में से बड़ा आरोप किसे मानते हैं आप? देखिए यहां पे मैं पार्टी की बात रखने आया हूं, आपके अनुसार आप मैं अपने मुंह में से बात निकालूं वो जरूरी नहीं है। आप ये बताइए कि बड़ा आरोप किसे मानते हैं? सुन लीजिए, बड़ा आरोप किसे मानते हैं? 2002 के दंगों का आरोप प्रधानमंत्री पर लगा था वो बड़ा आरोप था, या फिर लखीमपुर खीरी कांड में जो अजय मिश्रा पर साजिश का आरोप लगा है ये बड़ा? भैया यस नो में आंसर नहीं दे सकता, आप अगर समय है तो बोलने दीजिए, नहीं तो मैं चुप रहता हूं और आप दूसरों को बोलने दीजिए। नहीं आप तो देखिए, अगर आपको पास जवाब नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अगले सवाल पर आ जाता हूं। मेरे पास जवाब है तो आप जवाब दीजिए, है तो फिर दीजिए, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। ठीक है मैं सुन रहा हूं बिल्कुल, सबकी ऑडियो डाउन कर दीजिए, मेरी भी ऑडियो डाउन कर दीजिए, आप बोलिए। ठीक है सबकी ऑडियो डाउन, मेरी भी ऑडियो डाउन कर दीजिए, पूरा समय 30 सेकंड का दीजिए खेमचंद जी को, फुल स्क्रीन पर लाइए खेमचंद जी को, आप आरोप बताइए कि कौन सा बड़ा आरोप है? गलत आरोप थे, एक रेल के डब्बों को जलाया जाता है, रामभक्त मारे जाते हैं और एक समाज चुप रहता है। खेमचंद जी मैं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि दोनों ही गलत आरोप है, आरोप गलत है। 2002 दंगों का जो आरोप लगा उस वक्त के मुख्यमंत्री पर वो भी गलत आरोप था, और आज भी अजय मिश्रा टेनी पर साजिश का आरोप है ये भी गलत आरोप है, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ये बताइए कि बड़ा आरोप कौन सा है? अजय मिश्रा टेनी जेल में है, अजय मिश्रा टेनी जेल में है, और अजय मिश्रा टेनी जेल में नहीं है। अरे क्या बोल रहे हैं, अजय मिश्रा टेनी जेल में, इसका मतलब अभी जब तक सिद्ध नहीं, आप किसकी पार्टी, आप एक सेकंड को रुकिए, अब थोड़ा सा मुझको अपनी टीम से भी बात करनी थी। खेमचंद जी किसकी ओर से जुड़े हुए हैं? खेमचंद जी आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और आप कह रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी जेल में है? अजय मिश्रा टेनी का बेटा जेल में है ये बोल रहा हूँ, आप शायद कुछ ज्यादा, या तो आप ज्यादा पढ़ लिख के आए हैं या ज्यादा फिर आपने नया एक परेशान नहीं होंगे परेशान नहीं होगा कोई, सुना दीजिए, परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी खेमचंद जी, ऑलरेडी चार बार खेमचंद जी बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, खेमचंद जी बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, इनका ऑडियो भी ऊपर रखा जाएगा। खेमचंद जी ये बताइए मुझको कि बड़ा आरोप कौन सा है, फिर मुझे आगे भी जाना, और भी मेहमान है, आप कह दीजिए जवाब नहीं है मैं स्विच कर दूंगा, अगला सवाल पूछता हूं। नहीं बताएंगे, अरे बताने के लिए बैठे हैं भैया, ये कोई गेम, गेम नहीं हो रही है, आरोप का मतलब चलिए ठीक है, मोदी जी पे झूठे आरोप लगे, मोदी जी पे आरोप ही नहीं थे, अजय मिश्रा टेनी का बेटा जेल में है, केस चल रहा है, आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? आप ये क्यों नहीं कहते कि सोनिया गांधी पे जो आपराधिक आरोप चल रहा है, राहुल गांधी पे जो आपराधिक केस चल रहा है फांसी से छोड़ का, वो बड़े हैं या फिर तो सोनिया गांधी पर अगर आरोप लगे हैं, राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं, तो क्या मैं या फिर खेमचंद जी आप या फिर लक्ष्मी नारायण जी आप या फिर शशांक यादव जी आप हम में से कोई कार्रवाई करेगा या सरकार कार्रवाई करेगी? आप अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं खेमचंद जी, आप खेमचंद जी, खेमचंद्र जी अगर आप खेमचंद जी, बताया गया है कि आप नेता हैं बीजेपी के, जनता पार्टी के नेता, ठीक है, अरे लक्ष्मी नारायण जी मोदी जी को कि राज धर्म का पालन करो, ठीक है लक्ष्मी नारायण जी थोड़ा सा रुकिए, खेमचंद जी ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी बहस को खराब मत करिए इस तरह बीच में बोलकर, आपका जब समय होगा आप खूब बोलिए, आराम से बोलिए, लेकिन बीच में मत बोलिए, आपस में मत लड़िए, मैं मॉडरेटर हूं मुझे मॉडरेट करने दीजिए। ये तो आप मेरे से बात, खेमचंद जी का ऑडियो लीजिए। खेमचंद जी आपको नहीं लगता कि आप अपनी पार्टी के विरोध में ही कुछ कह गए गलती से? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर आरोप है, सोनिया गांधी पर आरोप है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई कौन करेगा?
क्या कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी, समाजवादी पार्टी कार्रवाई करेगी? कैसी बातें कर रहे हो? आपकी जब राष्ट्रीय एजेंसियां आपके हाथों में हैं, आप जब समाजवादी के लोगों के यहाँ छापे पड़वा सकते हैं, तो आप राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनकी अभी जांच बैठाइए। एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब मेरे का दीजिए। नहीं, हमारे यहाँ पे ठीक है, आप एक काम करिए, आपके सवालों का जवाब मैं दूंगा, तो एक काम करिए, मेरे केबिन के बाहर जो डिप्टी एडिटर की तख्ती है उसे हटा के आपकी तख्ती लगवा देता हूँ खेमचंद जी। आप सवाल करिए, यहाँ बैठ के आपकी, आप यहाँ बैठ कर सवाल करिए, आपसे कोई भी सवाल कहता हूँ तो आप कहते हैं कि क्विज मत करिए। आपसे करें तो करें क्या? आप ये बताइए, आपसे करें तो करें क्या? आपसे क्विज करेंगे नहीं, सवाल आपसे पूछना नहीं है तो आपसे क्या करें? हम क्या करें? सत्यनारायण की कथा चलवाएं यहाँ पर? नहीं, ये बताइए, यहाँ पे एक बात समझिए, आप एक बात को समझिए और थोड़ा सा मुझे भी समझाइए, एक बात को समझिए और थोड़ा सा मुझे समझाइए। आपसे जब सवाल किया तो आप कह रहे हैं कि क्विज मत करो, आपसे सवाल कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि मैं सवाल करूंगा उसका जवाब दो। मैं करूँ तो करूँ क्या, और आपका मैं करूँ तो करूँ क्या, आपका मैं करूँ तो करूँ क्या, ये बताइए मुझे। यहाँ सत्यनारायण की कथा चलवाऊ आपसे सुनू, या फिर यहाँ पर बाद में आप अपना करिए, चंदा मिश्र बांटू, क्या करूं मैं यहाँ पर? हाँ, प्रवचन दिलवाऊं आपसे, आप प्रसाद लीजिए, क्यों सत्यनारायण की कथा से आपको नफरत है? क्या सत्यनारायण की कथा से आपको नफरत है? आपने ये क्यों नहीं बोला कि भाई मैं यहाँ पे नमाज पढ़ू, मैं यहाँ पे कुछ और करूँ? क्या सत्यनारायण की कथा से आपको नफरत है? आपकी आप उसको डिफेंड कर रहे हो, कैसी बातें करते हो आप? आपका मतलब आप एंकर बन गए तो आप धारा प्रवाह कुछ भी बोलोगे, बीच में डिस्टर्ब करोगे। मैंने आपको ये पूछा था, बहुत देर से, बहुत देर से चीज समझ नहीं आ रही थी कि आप बीजेपी के ही हैं। आपने जैसे ही हिंदू मुसलमान किया समझ में आ गया कि आप बीजेपी से ही हैं। ठीक है, चलिए, काफी देर हो गई थी कि नमाज नहीं आई थी, सत्यनारायण की कथा नहीं आई थी। ठीक है, चलिए, शशांक जी कहना चाहते हैं, आप जिस तरीके से डिबेट अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है, अच्छा दिन है, ऐसे परेशान नहीं होते। ठीक है, दिन तो अच्छा, दिन तो हर ही अच्छा होता है भैया, दिन हर अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी समय वापस नहीं आता। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव। अगर आपने किसी को इनवाइट किया है, ठीक है, खेमचंद जी, आपने सवालों का जवाब दे दिया, आप स्पष्ट नहीं रहे। सवाल करो तो आपके आंसर में आंसर दूं। मैं यहाँ पे अपनी पार्टी के पक्ष में बोलने के लिए बैठा हूँ, ना कि आप पे सवालों का जवाब देने के लिए। आप इतने कमजोर थोड़ी ना है कि मैं आपसे जो चाहूंगा वो निकलवा लूंगा, आप इतने कमजोर थोड़ी ना है। आप बीजेपी की तरफ से बैठे हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, आप इतने कमजोर हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो दूसरे गेस्ट को बोलने नहीं दे रहे हो, तो आप पहले बोलने तो दो। आपकी बात, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात गलत सिद्ध हो जाएगी, आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, फुल स्क्रीन पर लीजिए जरा खेमचंद जी को, खेमचंद जी का 30 सेकंड का प्रवचन चलवाइए। चलिए खेमचंद जी, बोलिए। अच्छा, इसका मतलब आप अभी तक प्रवचन कर रहे थे तो मैं प्रवचन मैं ये कह रहा हूँ कि 30 सेकंड तक आप बोलिए, जब कहता हूँ बोलिए तब कहते हैं ना। आपने गलत शब्द का क्या बोलना है आपको, बोलिए ना, समय दे रहा हूँ, फुल स्क्रीन पर लीजिए, आप बोलिए, आप बोलिए। मतलब अभी तक आप प्रवचन कर रहे थे, आप बोलिए, कुछ है बोलने के लिए? इसका मतलब कुछ है बोलने के लिए? टीवी चैनल नहीं है, कुछ है बोलने के लिए? मतलब ये न्यूज़ है बोलने के लिए? कुछ है बोलने के लिए? मेरे पास तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, हमारी पार्टी ने बहुत कुछ किया है, हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है, हमारे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको प्रवचन? अरे बहुत कुछ है, क्या है बताइए ना, इनको फुल स्क्रीन पर लीजिए जरा, इनको फुल स्क्रीन पर लीजिए, आप बोलिए, बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। हमारी पार्टी में कानून का राज है, और हमारी पार्टी में हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी वही हो रहा है। चलिए, आप सुनना नहीं चाहते? चलिए ठीक है, सुन लिया मैंने, मोदी जी के 2002 सुन लिया, अब आपको सुन लिया, मोदी जी के पीछे आपने इतनी सी बात कहने में, आपने इतनी सी बात कहने में 15 मिनट ले लिए, आपने इतनी बात कहने में 15 मिनट ले लिए। ठीक है खेमचंद जी, आपके पास आऊंगा वापस, अब अगले राउंड में आपके पास आऊंगा। अपने प्लेटफॉर्म का अगले राउंड वेस्ट किया है, बिल्कुल आपकी वजह से, आपकी वजह से वेस्ट हो गया। अब आपके पास आता हूँ थोड़ी देर में, इनके ऑडियो बिल्कुल जीरो कर दिया, डाउन करिए इनके ऑडियो। ठीक है, ठीक है, मेरा भी वेस्ट किया है, आपने चैनल का बहुत कीमती वक्त वेस्ट कर दिया, एक छोटे से सवाल का जवाब देने में आपने 15 मिनट ले लिए, ऐसे मत करिए, इनकी आवाज डाउन करिए बिल्कुल, इनकी आवाज डाउन करिए बिल्कुल। चलिए ठीक है, शशांक यादव जी अब आपके पास आना चाहेंगे, तो मेरा सवाल आपसे ये था, शशांक यादव जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, शशांक यादव जी को मेरी आवाज नहीं आ रही थी। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आप पर वापस आना चाहूंगा, तो लक्ष्मी नारायण तिवारी जी एक छोटा सा सवाल किया था बीजेपी से तो भड़क गए,
तो उनको थोड़ा सा समय दिया है रिलैक्स होने के लिए। आप मैं नहीं, आप भटके हो, मैं भटका नहीं, आप भटके हो। अरे भटके हैं कि भड़के हैं, क्या हैं आप? आप भटके हो, मैं नहीं भड़का, आप भटके हो, आप भटक गए हो। आप अच्छा मुझे बोलने दीजिए, चलिए मेरे समय में लक्ष्मी नारायण जी, मेरे समय में अतिक्रमण ना करिए। टारगेट करोगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मेरे समय में अतिक्रमण ना करिए। ठीक है चलिए, तिवारी जी आप बड़े भाई हो, आपके समय में मैंने अतिक्रमण नहीं किया, बोलने दिया, लेकिन अगर कोई पर्सनल कमेंट करेगा मुझे बोलने दीजिए, मेरा करबद्ध आग्रह है। अरे एक सेकंड लक्ष्मी जी आपके पास मैं वापस आ रहा हूँ, लक्ष्मी जी आपके पास वापस आ रहा हूँ। खेमचंद जी कुछ भी पर्सनल नहीं है, आपसे जो भी सवाल किए गए पार्टी से सवाल किए गए हैं, आपसे कोई पर्सनल नहीं है, आप निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है चलिए, भैया है ही नहीं पार्टी का, होता तो आप प्रवचन आप अरे मेरे भाई खेमचंद, आपसे मैं जो सवाल कर रहा हूँ कि अगर आप गोलमोल जवाब देंगे, अगर आप जलेबी बनाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा बताइए। जलेबी आपको लग रहा है चलिए खेमचंद जी अगले राउंड में आपके पास आऊंगा लक्ष्मी नारायण तिवारी जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शशांक जी आप हमारे पास काफी देर बाद आ पाए हैं। शशांक जी काफी देर से कनेक्शन की कुछ समस्या थी जिसकी वजह से आप अटक रहे थे, रुक रहे थे। तो शशांक यादव जी मेरा वही सवाल था आपसे कि कितने ही चुनाव हमने देखे, कितने ही चुनाव आपने देखे होंगे, लक्ष्मी नारायण जी ने भी देखे होंगे और साथ ही साथ खेमचंद जी ने भी देखे होंगे। चुनावों से एक रोज पहले, दो रोज पहले जो रात होती है जिसमें छापेमारी सीबीआई नजर आती है, ईडी नजर आती है, और जिसके यहां ये छापा पड़ा है, जिसके यहां सीबीआई पहुंची या ईडी पहुंची या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचा, उस नेता का कुछ बिगड़ा नहीं बल्कि उसकी राजनीतिक गाड़ी चल गई गाजे बाजे के साथ, सर पर माथे पर लाल तिलक चंदन का लग गया, तो परेशानी क्या है? अच्छी बात है, और अगर आपने किसी से सुई भी ना ली हो तो डरने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। जी जी बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा, और शायद आपको याद हो मैंने बातें शुरू चुटकुले से करी, और चुटकुले में मैंने कहा था कि इनकम टैक्स की रेट बड़ा स्टेटस सिंबल माना जाता है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी तो बहुत गरीब गुरबों की, फुटहा लोगों की, कमजोर लोगों की पार्टी मानी जाती है, अगर उसके नेताओं के इनकम टैक्स के रेट पड़ रहे हैं तो हमारे लगे हम भी बड़े इम्पोर्टेंट आदमी है। लेकिन बड़ी सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ कि हम तो इसको शगुन मानते हैं, बंगाल में छापे मारे थे, महाराष्ट्र में छापे मारे थे, वहां पटना निकल के आया था, राजस्थान में मारे थे, वहां पढ़ना, मध्य प्रदेश में छापे लगाए थे, तो एक फ्रस्ट्रेशन की निशानी है भारतीय जनता पार्टी की। और बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जो गलत है वो गलत है, अगर हमारे किसी भी नेता ने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती करी है, आपके पास कानून है, आप करिएगा, हम इससे डरने वाले, हम मेंटली प्रिपेयर्ड है कि आप सब कुछ करोगे, अभी सीबीआई भी की एंट्री होगी, अभी ईडी की भी एंट्री होगी, आप लेके आओ ना, क्या फर्क पड़ता है? मतलब आप तैयार? हमारा हर कार्यकर्ता हमारा हर समर्थक और जनता पूरी तरीके से तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन पीक पे पहुंच चुका है, और इसी वजह से योगी जी को किनारे करके मोदी जी ने कमान खुद संभाल ली है। अब अखिलेश जी के बयानों का रिएक्शन मोदी साहब देते हैं, तो हमें तो लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने हमारी ही पार्टी का एक अपग्रेडेशन किया है, हमें तो अच्छा लग रहा है। आप इतना तंग करोगे क्योंकि प्रेशर में ही समाजवादी ज्यादा अच्छा काम करते हैं, आप हम तो चाहते हैं और तंग करिए आप। चलिए ठीक है, तो शशांक जी कह रहे हैं खेमचंद जी कि ब्रिंग इट ऑन, मतलब ठीक है अभी सीबीआई भी आएगी, ईडी भी आएगी, वो तैयार है पूरी तरह से, लेकिन आपने एक ऐसी बात कह दी शशांक जी जो मेरे कानों में गूंज रही है। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, तो ये बात आपने कही, ठीक है आपने कही। मैं चुनाव कवर करने के लिए हापुड़ की तरफ गया था, तो वहां पर जितने नेता बैठे थे, विधायक या पूर्व विधायक, सब करोड़पति, तो मैंने एक चीज पूछी कि गरीब आदमी फिर कैसे चुनाव लड़ेगा। सुनिएगा सवाल, सुनिएगा, गरीब आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा? तो एक बड़ी दिलचस्प बात कही वहां के एक युवा ने, बड़ी दिलचस्प बात कही युवा ने, कहा वो समाजवादी पार्टी का था, उसने कहा कि अगर अल्टो गाड़ी लेकर अखिलेश यादव जी के बंगले में जाएंगे तो उसका दरवाजा भी नहीं खोलेंगे वे लोग, और अगर महंगी चार फॉर्च्यूनर लेकर जाएंगे तो दरवाजा भी खुलेगा, स्वागत सत्कार भी होगा। तो अगर अल्टो गाड़ी लेकर एक गरीब आदमी जो चुनाव लड़ना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, अगर वो पहुंचता है तो आपके दरवाजे तक ना खुले, और फॉर्च्यूनर चार पहिया बढ़िया गाड़ी, छह गाड़ियों का काफिला, तो आप दरवाजे भी खोले, तो गरीबों की पार्टी कहां से हुई? मैं दुनिया की बात नहीं करता सर, मैं अपनी बात करता।
नहीं, आप तो पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, तो आपने कहा गरीबों की पार्टी, गरीबों की पार्टी कैसे? कौन से गरीबों की पार्टी होती है जो खुद अमीर हो जाती है? कपड़ा भी सफेद, जूता भी सफेद, पांच उंगलियों में पांच अंगूठी, गले में जिससे बकरी बांधी जाती है वो वाली चेन सोने की, गरीबों की पार्टी। देखिए सर, मैं समाजवादी पार्टी का एमएलसी आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मेरे एक उंगली में एक अंगूठी है, मेरे जो है हर की दी हुई, ना कोई चेन है मेरे पास, और मैं 6 साल से एमएलसी हूँ और मैं इनकम टैक्स पेयर भी हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी भी अभी कर्जे पर है और मेरा मकान भी कर्जे पर है, और मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रहा। मैं एक मामूली सा व्यक्ति, कार्यकर्ता से मुझे जिलाध्यक्ष बनाया और जिलाध्यक्ष से मुझे एमएलसी बनाया। समाजवादी पार्टी में वो शख्स जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां से 200-250 किलोमीटर की रेंज में मेरा कोई रिश्तेदार नातेदार भी नहीं, ना मेरी बिरादरी जिले में मैं बिलोंग करता हूँ। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मेरिट को बढ़ावा दिया है, और जिस आपको गाजियाबाद की आप बात कर रहे हो, लेकिन उसके साथ आप आजमगढ़ की भी बात कर लो, उसके साथ आप बात कर लो गोरखपुर की भी, आप बात कर लो हमारे लखनऊ की भी, हमारे सीतापुर की भी, लखीमपुर खीरी की भी, वहां के कार्यकर्ता आपको पार्टनर वाले नहीं मिले। और जो चीज लोग कह रहे हैं, मेरी खुद की गाड़ी जो है, जो मेरी कर्जे में गाड़ी है, वो कार्यालय से 10 मीटर दूर रुक जाती है, हम लोग पैदल चल के जाते हैं। हम चाहे फॉर्चूनर से आइए चाहे आल्टो से आइए, कार्यालय के अंदर हम पैदल नहीं जाते। बाबर ये पता नहीं साथी ने जो बात कही होगी वो कितना सही है वो तो वो जाने, लेकिन मैं तो अपना बिता रहा हूँ। 11-12 साल जिलाध्यक्ष रहा हूँ, मैं एमएलसी रहा हूँ, लेकिन हम लोग आज नियम का पालन करके नहीं, अपवाद तो हर जगह है। फिर अगर आप अपनी बात कह रहे हैं वो अपवाद तो हर जगह है, और ये अच्छी बात है, आपने जो बातें कही अच्छी बात है, आपने स्क्रीन पर इस बात को रखा, लोग देखेंगे और समझेंगे। चलिए ठीक है, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपको तजुर्बा भी ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो जो मैंने बात रखी और जिसको शशांक यादव जी ने आगे जोड़ा, उस बात पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, पहले तो भाजपा के मित्रों ने जो बात रखी है उस पर मेरी कड़ी आपत्ति है। आप जो पूछेंगे मैं उसी का उत्तर दूं, और उन्होंने जो बातें रखी उसको मैं चुपचाप लगा जाऊं तो ये पार्टी के साथ अन्याय होगा। अभी भाजपा के मित्र ने ये उल्लेख किया कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी अपराधी हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अभी तो दिल्ली की चाबी जमानत पे है और लखनऊ की चाबी जमानत पे है। आपको पता टोका टोकी आप करेंगे तो मैं चुप लगा दूंगा, मैं बेवजह बहस नहीं करूंगा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि यदि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी अपराधी हैं तो दिल्ली के तख्त की चाबी भी आपके पास है और लखनऊ की चाबी भी आपके पास है, पकड़ के बंद कर दीजिए, कार्रवाई करिए। और मैं जहां तक मुझे याद है, आपको याद है कि नहीं नहीं जानता मैं, लेकिन देश को याद है कि जब गोधरा की घटना घटी तो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी को आज जो प्रधानमंत्री हैं उनको उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी राज धर्म का पालन करो। ठीक है, अगर उस समय आडवाणी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता गोधरा कांड पर, वाजपेयी जी पर बहस नहीं होती, देने के मूड में थे, देश इस बात से वाकिफ है। फिर बाद में दिल्ली में बुलाने के लिए वकालत भी फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही की, उन पर नहीं जाएंगे, गोधरा कांड या फिर 2002 के दंगों पर बहस नहीं हो रही, आप यहाँ पर रहिए। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो पूछा कि 2002 की गोधरा की घटना और अभी लखीमपुर की घटना, अब आप गलत समझ गए लक्ष्मी नारायण जी। मैंने उनसे ये सवाल इसलिए किया था कि 2002 का जो आरोप लगा था, दंगों का आरोप, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उन पर जो आरोप लगा था वो बड़ा आरोप था, या फिर लखीमपुर खीरी का जो कांड है इसका जो आरोप लगा है ये बड़ा आरोप है? ये सवाल इसलिए किया गया था कि ये जानने से किसी 2002 का 2002 दंगे का आरोप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा था, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहीं भी आपा नहीं खोया, कहीं भी पत्रकारों के ऊपर हमला नहीं किया, किसी भी नेता के साथ बदजुबानी नहीं की, आरोप लगातार लगते रहे, हर पत्रकार ने उनसे सवाल किए। लेकिन आज अजय मिश्रा टेनी दिन दहाड़े जब पत्रकार उनसे सवाल कर रहे हैं
जो उन पर आरोप लगे हैं उसको लेकर, तो वो उनका कैमरा बंद करा रहे हैं, वो उनको धक्का दे रहे हैं, वो उन पर हमला कर रहे हैं। तो ये केंद्र गृह राज्य मंत्री की ये स्थिति अगर है तो ठीक नहीं है, फिर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। देखिए खेमचंद जी उसको भी नहीं मानते हैं ना, वो तो नहीं मान रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी अपराधी है, अजय मिश्रा टेनी का बेटा अपराधी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जवाबदेही से ये बात कहता हूँ कि अजय मिश्रा टेनी इसके दोष है। एसआईटी ने उनका नाम लिखा, अजय मिश्रा जी का, आशीष मिश्रा का नाम तो लिखा गया है, वो अपराधी कैसे हो जाएंगे? आशीष मिश्रा का नाम तो लिया गया है एसआईटी में, आशीष मिश्रा का नाम लिया है एसआईटी ने लिया। धक्का क्यों दे रहे हैं आप? यदि आपा खोल रहे हैं, मीडिया है, अपराधी व्यक्ति आपा करना चाहिए। अरे एक मिनट जरा खेमचंद जी को लीजिए, और आपको ये डिस्टिंग करना चाहिए। अरे एक काम करिए, जरा स्क्रीन पर लीजिए खेमचंद जी को, स्क्रीन पर लीजिए खेमचंद जी को, स्क्रीन पर लीजिए। वो मंत्री है तो आप कैसे कर सकते हो? आप बताइए, कांग्रेस ने बिहार में लालू प्रसाद 6 लोगों की हत्या की है उनके बेटे ने, और वो प्रधानमंत्री खेमचंद बेटे और राबड़ी जी को भी जेल में क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि भाई अपराध लालू जी ने किया तो लालू जी जेल में थे, और उनके बेटे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। देखिए लालू जी की चर्चा इन्होंने शुरू कर दी, स्क्रीन पर खेमचंद जी को लीजिए जरा, खेमचंद जी, खेमचंद जी की चर्चा शुरू कर दी। आपस में लड़ाई मत लड़िए, आपस में बहस मत करिए, आपस में लड़ाई मत लड़िए, आपस में बहस मत करिए। खेमचंद जी एक बात का जवाब और दीजिए, आज निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई की जरूरत थी नहीं, ये क्या है, ये तो सब ड्रामा है। तो संजय निषाद जी आप ही की पार्टी के हैं, वही कह रहे हैं कि सब क्या है। निषाद जी पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्यों नहीं करना चाहिए? आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, और आप ही को कह रहे हैं। सुन लीजिए, हमारे क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम साथी हैं, एक पार्टी नहीं, मैं प्रवक्ता मतलब दिल से साथ नहीं आप, ऐसे ही प्रवक्ता बीजेपी जीतने के लिए, और बीजेपी गुड़ा भाग के लिए, जातियों के गुड़ा भाग के लिए साथ है। एसआईटी ने जो कहा है, जातियों के गुड़ा भाग के लिए साथ है, मल्ला केवट इनके वोट चाहिए इसलिए साथ है। वो आपको डांट रहे हैं, संजय निषाद जी आपको डांट रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, सबके साथ के साथ काम करते, हम ये घटना नहीं करते। और सुन लीजिए, एक एक कमेंट और करना चाहूंगा, शशांक जी ने गलती से सही, लेकिन एक बहुत बड़ी समाजवादी पार्टी की सच्चाई पब्लिक डोमेन में रख दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई की रेड, अपराधी रिकॉर्ड, थाने में केस, उनके लिए तमका है। यही तो हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए अपराध तमका है, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा नेता। एक ऑफिस ऑफिस सीरियल आता था, उसमें एक अच्छा, आपने शशांक जी की बातों को ठीक से सुना नहीं, आपने शशांक जी ने जो कहा वो आपने ठीक से सुना नहीं। खेमचंद जी यही समस्या है आपकी, बड़ा नेता ठीक से सुना, मैंने ठीक से सुना, वक्ता नहीं होने चाहिए आप, नेता नहीं, आप सिर्फ वक्ता होने चाहिए। वक्ता के नाते बोल रहे तो बात अलग है, मैंने सुना है, उन्होंने कहा शशांक जी, उन्होंने कहा खेमचंद जी के मेरी बात की बात होती है, ये सुन खेमचंद जी के नाम के नीचे जो नेता चल रहा है, नेता की जगह हटाकर उनको वक्ता कर दीजिए, ये करूं खेमचंद जी ठीक रहेगा? ये भी क्या हुआ, अब समाजवादी पार्टी का नेता और वक्ता में क्या फर्क है? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं क्या कह रहा हूं खेमचंद जी, खेमचंद जी बातों को इधर उधर मत करिए। आप मुझे ये बताइए, डॉक्टर संजय निषाद ने, बिल्कुल शशांक जी आप कह रहा हूं, डॉक्टर संजय निषाद ने जो फटकार लगाई है आपको कि क्या ड्रामा कर रहे हैं आप लोग, आप ही का साथी आपको डांट लगा रहा है। क्यों फटकार लगाई है, क्या डांट लगाई है? उन्होंने कहा कि ये सब ठीक नहीं है, राजनीतिक स्टंटबाजी है और कुछ नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप ही के साथ ही बातें कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति का अपना व्यू है, उनकी अलग, अरे अपना व्यू है, वो आपके साथ ही है, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, साथी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है भैया, के आधार पे आते हैं, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, आपके साथ ही है, आपको फटकार लगा रहे हैं। अच्छा आपके साथ ही है, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, आप कह रहे हैं संजय निषाद की कोई जी, हम कॉमन मीडियम प्रोग्राम के आधार पे साथ में हैं, हम एक पार्टी नहीं, अलग अलग पार्टी हैं, उनके अपने विचार हैं, अपनी रीति नीति है, अपना तो कैसे क्या समाजवादी पार्टी से कैसे लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से कैसे लड़ेंगे, पहले डॉक्टर संजय निषाद से लड़ लीजिए। आप तो कहते हैं कि यूपीए के लोग गठबंधन करते हैं, आपके भी गठबंधन है क्या? संजय निषाद ने कहा कि ड्रामा बंद करो, समाजवादियों के यहाँ जो छापे पड़ रहे हैं ये सब ड्रामा है, राजनीतिक है, स्टंटबाजी है, आप उनको क्या जवाब देंगे? उनको लगता होगा,
ठीक लगता है, लगता होगा ठीक लगता है हमारे राज्य में, उनको ठीक लगता है राज्य में कानून काम कर रहा है स्वतंत्र रूप से। अरे आपके साथी को लगता है तो क्या लगता है, आपके साथी को लगता है तो क्या लगता है? संजय निषाद जी ईमानदार आदमी है, सच्चे आदमी है, आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए, संजय निषाद जी ईमानदार आदमी है, सच्चे आदमी पूछिए, मेरी पार्टी क्या कहती है, मेरी पार्टी की सोच क्या है, मैं वो बताने बैठा हूँ, संजय जी का प्रवक्ता मैं नहीं हूँ, जिस दिन वो मेरे को अपना प्रवक्ता बनाएंगे उस दिन मैं उनकी बात रखूंगा। ठीक है, आपको जिस दिन समाजवादी पार्टी अपना प्रवक्ता बना लेगी आप उस दिन उनकी बात रखेंगे। ठीक है, मुझे एक जवाब दीजिए, आप किसी के साथ हैं, आप किसी के साथ, आप किसी के साथ हैं, आप किसी के साथ हैं तो आप उस पर तो जवाब देंगे ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बीजेपी क्या जवाब दे रही है इस पर, संजय निषाद साहब ने आपको फटकारा है, आप उस पर क्या जवाब दे रहे हैं? हमारी दोनों की आइडेंटिटी अलग है। अरे आप क्या जवाब दे रहे हैं? बीजेपी क्या जवाब दे रही है भैया? बीजेपी क्या जवाब दे रही है? हम एक पार्टी नहीं है। अरे बीजेपी क्या जवाब दे रही है? आप बीजेपी का पक्ष है ना, बीजेपी संजय निषाद को क्या जवाब दे रही है? हमारा जवाब है कानून अपना काम कर रहा है, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी भी जो व्यक्ति सही है उसको परेशान नहीं किया जाएगा। मतलब आप काउंटर कर रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं ना आप संजय निषाद पर, संजय निषाद पर काउंटर अटैक कर रहे हैं ना? मैं काउंटर नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अटैक किसी, या तो आप उनके समर्थन में होंगे या उनको काउंटर करेंगे, सच बता रहा हूं। आप या तो संजय निषाद के समर्थन में होंगे या काउंटर करेंगे, आप क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी होता है, उन्होंने कहा आप ड्रामा कर रहे हैं, आप बोलो कि नहीं, उन्होंने कहा कि आप ड्रामा कर रहे हैं, या तो आप ड्रामा कर रहे हैं या आप ड्रामा नहीं कर रहे हैं। आपको हम ड्रामा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो करिए, हमारा जो काम है, आप पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, पार्टी का क्या कर रहे हैं आप ये बताइए। संजय निषाद ने कहा कि आप ड्रामा कर रहे हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं हाँ या आप ड्रामा नहीं कर रहे हैं? हाँ या ना ही तो होगा, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? निषाद जी का प्रवक्ता नहीं हूँ। अरे मैं बीजेपी का पक्ष पूछ रहा हूँ, बीजेपी का पक्ष पूछ रहा हूँ, सिस्टम काम कर रहा है। अरे बीजेपी का पक्ष काम कर रहा है, बीजेपी का क्या पक्ष है? आप ड्रामा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई नौटंकी हो रही है, आप ड्रामा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे सिस्टम, अरे भैया सुनिए, यह आपके सड़क चौराहे की डिबेट नहीं हो रही है, सड़क चौराहे की डिबेट नहीं है, नेशनल टीवी पर बैठे हैं, पहले शब्दों पर कंट्रोल करिए और अब आप ये बात बताइए, आप ड्रामा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इस स्तर पे आ रहे हो, आप ड्रामा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर संजय निषाद कह रहे हैं कि आप ड्रामा कर रहे हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और हमारे यहाँ पे, अरे नहीं उत्तर देंगे भाई, अरे ड्रामा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उत्तर दीजिए ना, काम करेगा, अरे ड्रामा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं करते ड्रामा, नहीं कर रहे ड्रामा, नहीं करते, जो ड्रामा करते उनसे। फिर आप 6 मिनट फिर ले गए, आप एक जवाब देने में 6 से 7 से 10 मिनट लेते हैं, इनका ऑडियो डाउन करिए, 6 से 10 मिनट ले रहे हैं हर जवाब देने में, बड़ा स्लो है आपकी गाड़ी, बड़ा स्लो है आपकी गाड़ी, बिल्कुल इंटरनेट एक्सप्लोरर वाला हाल है आपका, सवाल कब दागते हैं जवाब मिलता है 15 मिनट बाद जाके, आपका हाल पुराने, चलिए ठीक है, 86 कंप्यूटर जैसा है जो 10 मिनट में जाके, अब मेरे सवाल, अब मैंने जवाब दे दिया तो मिर्ची नहीं मिर्चा लगा, अब ये समस्या है, अब मिर्ची भी लगती है, आप मिर्ची भी लगती है, तरीके से मिर्ची भी लगती है, इनका ऑडियो डाउन करिए, बिल्कुल जीरो करिए, चलिए मुंह में डालना चाहते हैं। अरे आप इतने कमजोर आदमी थोड़ी ना है, आप तो मजबूत आदमी है, मैं जो कहूंगा वो थोड़ी ना आप बोलेंगे, आप मेरे गुलाम थोड़ी ना है, आप पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, कमजोर आप लग रहे हो इसीलिए आप चालाकी से अपनी बातें मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप भोले भाले हैं, आप भोले भाले हैं, आप 22 तरीके से आप फंस रहे हैं, आप भोले भाले हैं, फंस रहे हैं, चलिए ठीक है, पार्टी का पक्ष रखिए, इधर उधर की बातों का कोई जवाब नहीं है। शशांक यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, खेमचंद जी का ऑडियो डाउन करिए, शशांक यादव जी कुछ कह रहे हैं, काम करता है सिस्टम ही काम कर रहा है जी। शशांक जी, आपने शशांक जी को बचाने के लिए 10 मिनट लगा दिए। मैं कल विधान परिषद का हमारे ये अंतिम सत्र था और परसों बहस चली कि लाल टोपी के ऊपर और परिषद के अंदर ऑन रिकॉर्ड है ये, मैं खेमचंद जी को इसलिए बता रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड भी चेक कर लेंगे। संजय निषाद जी मेरे ठीक सामने बैठे हुए थे, तो ये कहा गया कि साहब लाल टोपी क्या आतंक की निशानी है? तो अगर आतंक की निशानी आप मानते हो तो आप मानो, हमको लगाए कि हम लोग सब लोग लाल टोपी लगाए बैठे हुए थे, तो मैंने ऐसे ही कहा कि संजय जी आप तो लाल टोपी लगाते हैं, आज क्यों डर के मारे रख ली क्या आपने? तो तुरंत उन्होंने टोपी अपनी लगाई, बोले नहीं ये मेरी टोपी है और वो रिकॉर्डिंग में है, उसका वीडियो देख सकते हैं विधान परिषद को डाउनलोड करके। मैं ये प्रकरण मैंने खाली इस बात के लिए आपके सामने कहा कि 14-15 करीब प्रधानमंत्री हो गए
256 से ज्यादा मुख्यमंत्री हो गए हिंदुस्तान में आजादी के बाद। आप मुझे खाली इतना बताएं कि क्या कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने अपने मुकदमे खुद हैं? हेलो, हाँ हाँ नहीं बात रखिए, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी, बात करिए। हेलो हेलो, चलिए शशांक यादव जी का शायद कुछ कनेक्शन बिगड़ गया। शशांक जी ये बता रहे थे कि अभी भी जो टोपी है लाल टोपी ही लगाते हैं संजय निषाद जी, और संजय निषाद जी लाल टोपी लगाते हैं लेकिन कमल के साथ हैं, कमल का फूल अपने पास रखे हुए हैं लेकिन आए जाए अटैक भी कर देते हैं कमल पर। तो उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ चल रहा है। फिलहाल बाइंड अप का समय, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बातों को रखने के लिए और शानदार तरीके से हर सवाल का जवाब देने के लिए। हालांकि खेमचंद जी कुछ नाराज नजर आए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम में ये जानने की कोशिश की कि आखिर सियासत की तासीर क्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं, चुनावी शंखनाद उस दिन हो गया था जिस दिन पहली दफा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषण रखा, लेकिन अब चुनावी ब्रह्मनाद, क्योंकि जब तक सीबीआई, ईडी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुनावों में ना कूदें, चुनावों की असल घोषणा तब तक रहना बाकी रहती है। इसको जानना, समझा, चर्चा की, बहस हुई। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।